आखिर कहाँ गायब हो गया कुली खां का मकबरा जो यहाँ पे हुआ करता था। आज बिल्कुल प्लेन हो चुका है ये जगह। 17वीं शताब्दी का बनाया गया बोर्डिंग हाउस, और यहाँ पे एक मकबरा हुआ करता था जिसका नाम था कुली खां, वो हो गया है यहाँ से गायब। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुली खां का मकबरा, जो अकबर की मुंह बोली माँ महाअंगा के बड़े बेटा थे। तो आइए हम चलते और चलकर देखते हैं कि इनका मकबरा कैसा। आइए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आ चुके हैं महरौली के उस पार्क में जहाँ पर है कुली खां का मकबरा। ये जो सीढ़ी है ये है कुली खां का मकबरा, और इस तरफ है बोर्डिंग हाउस। यहाँ पे उस टाइम में बोटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, इस जगह को बनाया गया था बोर्डिंग के लिए। और इसकी बनावट देखते हैं, ये है महरौली में। जब आप महरौली आएंगे और कुतुब मीनार से कुछ दूरी पे ये बोर्डिंग हाउस और कुली खां का मकबरा है जो काफ़ी पुराना है। और ये अकबर की मुँह बोली माँ महाअंगा के बेटा थे, जो आप देख रहे हैं कुली खां महाअंगा के बेटा थे। महाअंगा अकबर की मुँह बोली माँ थी। आप इस बोर्डिंग हाउस की बनावट को देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मेहराब बना हुआ है, और इसके दोनों साइड में जो है वो गेट बना हुआ है दाएं और बाएं। और ये सीधा हम आपको अंदर ले चलते हैं, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर एक गुंबद भी बना हुआ है, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके की बनावट है। ऊपर का मैं एक व्यू दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर किस तरीके से बना हुआ ये कुली खां का मकबरा है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये महरौली में है, दिल्ली में सबसे पुराना जगह जहाँ राजा लोग रहा करते थे, या लोग जो बसे थे राजा महाराजा, वो सबसे पहले महरौली में आकर बसे थे। इसलिए महरौली को दिल्ली का सबसे पुराना जगह कहा जाता है। और मैं देखिए, मैं आपको अभी बोर्डिंग हाउस दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से बना हुआ है। इससे पीछे देखिए, यहाँ पे तालाब था, यहाँ पे पानी था, और यहाँ पर ही कुली खां बोर्डिंग किया करते थे। आप उसका एक व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम में एक दाए के एक जो सिपे सालार थे अकबर के, वो किस तरीके से यहाँ पे आराम से रहा करते थे, उसका एक व्यू आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं कुली खां के मकबरा के तरफ। ये सामने जो है कुली खां का मकबरा है, इसका सीढ़ी आप देख सकते हैं कितना ऊंचा इसका सीढ़ी बनाया गया। इसे काफ़ी ऊंचाई पे इनका मकबरा बनाया गया था। तो कुली खां के बारे में हम जानते हैं, कुली खां महाअंगा के बेटा थे। महाअंगा अकबर की मुँह बोली माँ थी। कुली खां दो भाई थे, आदम खां और कुली खां। आदम खां का मकबरा कुतुब मीनार के पास में है। उन्हें भी अकबर ने के साथ गद्दारी करने की वजह से उसे सजा दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने अकबर ने ही उनका मकबरा भी बनाया था। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं उनके दूसरे भाई कुली खां का मकबरा। तो आइए चलते हैं, और हम चलकर देखते हैं। इसके चारों तरफ देख सकते हैं खाली यहाँ पे जंगल ही जंगल है, और इसकी बनावट को देख सकते हैं। यहाँ पर एक चौड़ाई का बना हुआ एक सीढ़ी है, यहाँ से होकर ऊपर जा सकते थे। इसके पास में भी एक सीढ़ी है जहाँ से हम ऊपर अभी जाएँगे। कुतुब मीनार यहाँ से बिल्कुल पास में है। मैं आपको एक कुतुब मीनार का व्यू दिखाता हूँ, आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से कुतुब मीनार कितना पास है। आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल साफ साफ कुतुब मीनार दिख रहा है। और हम यहाँ पे आए हैं महरौली में। चलिए अभी हम चलते हैं और ऊपर, और देखते हैं कि कुली खां का मकबरा किस तरीके का बना हुआ जिसे हम देखने के लिए आए थे। ये देख सकते हैं यहाँ पर का व्यू किस तरीके से पत्थरों से बना हुआ ये जगह है, और इससे जो घेरा गया इसमें मेहराब का भी डिज़ाइन बना हुआ। मैं आपको और पास से ले आकर करके दिखाता हूँ। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बना हुआ। यहाँ पर भी एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। इसके अंदर रूम भी बना हुआ है, रूम की बनावट को देख सकते हैं, मेहराब बना हुआ है, छोटा छोटा रूम बना हुआ है। आप इसके अंदर जब आएंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे ठंडक महसूस होगा जब आप इसके अंदर चलेंगे। तो आइए हम चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं। ये देखिए इसकी बनावट है, और हम अब चलेंगे कुली खां के मकबरा के बिल्कुल पास में। उनका मकबरा जो है वो ऊपर है। आइए हम चलते हैं और आगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद कुली खां के मकबरे को बनवाया गया था, जो अभी आप देखने चाह रहे हैं। ये काफ़ी पुराना मकबरा, इसके ऊपर का पूरा चीज़ गिर चुका है। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ढांचा खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है मेन कुली खां का मकबरा जिसके अंदर उनका कब्र था। और इसकी बनावट का एक व्यू देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ इसके जो है मेहराब का डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके कोने पे गोल गोल में अल्लाह लिखा हुआ था और मोहम्मद लिखा हुआ था, जो वक्त के साथ टूट चुका है। ये कुली खां एक सेनापति थे अकबर के, और काफ़ी वफादार थे, जिनकी वजह से जब इनका डेथ हो गया उसके बाद इस जगह को बनाया गया और यहाँ पे उनका मकबरा बनाया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज ये बिल्कुल वीरान हो चुका है।
सन 1835 से 1853 तक सर थॉमस थियोफिलस मेटकाफ ने यहाँ पर राज किया है। इसे मानसून के समय अपने रहने के लिए बनाया गया था। मेटकाफ ने इसे मानसून के समय अपने रहने के लिए बना दिया था और यहाँ एक बागीचा बनाया था उन्होंने, जिसका नाम दिल खुशा बागीचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए जो बंद कर दिया गया। मैं आपको इसे थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरा बंद है और इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत अंदर का नक्काशी किया हुआ है। यहाँ पर ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है, उस पर नक्काशी की हुई है, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। मैं आपको ऊपर का गुंबद, इस पर एक सिंगल गुंबद है, उसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ब्लू कलर से इतना खूबसूरत इसे देखने में लग रहा है कि अगर आप पास से देखेंगे तो आप सोचेंगे कि उस टाइम में इस तरीके का नक्काशी कैसे किया था जो आज भी यहाँ पर है मौजूद। यह मकबरा अष्टकोणीय शैली है और अंदर से वर्गाकार दिखाई देता है। ये देख सकते हैं कि अंदर से ये वर्गाकार दिखाई देता है। मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये है एक मकबरा जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने इसे तोड़ दिया था और तोड़कर बिल्कुल प्लेन कर दिया। आप इसका देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा और यहाँ पर था कुली खा का मकबरा। आज यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पर उसे तोड़कर अपने रिहाइश गाह बना ली थी, रहने की जगह बना ली थी, जो आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि यहाँ पे किसी का मकबरा था। जी हाँ, यहाँ पे था कुली खा का मकबरा जिसे हम देखने आए हैं और यहाँ पे आज वो चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आज बिल्कुल प्लेन छत सा बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड, अभी हमने आपको दिखाया कुली खा का मकबरा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम चलते हैं एक नई खोज की तरफ।